हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइट है यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, थंबनेल में आप लोग देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आज आप बात करेंगे मानका पेन के ऊपर। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस यूट्यूब वीडियो बनाने के टाइम में मार्कर पेन का बहुत दरकार लगता है कुछ चीज़ हाईलाइट करके करके दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वो लोग कर नहीं पाते क्योंकि उसको पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अगर कैमटेस या स्टूडियो 8 चलते हैं। और हर बार की तरह जरूरी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो फास्ट क्या करना है, आपका अपना कैमटेस या स्टूडियो 8 जो है उसको ओपन करना है। जैसे मैं ओपन करूँगा, देखिए यहाँ पे आपका आता है टूल, ठीक है। जैसे टूल आता है आपके फ्रेंड्स, आपका इस तरह का देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका हॉट की। हॉट की का मतलब जानते ही आप की है, नहीं तो आप क्या कर सकते फ्रेंड्स। दूसरा तरीका है आपका ये ऑप्शन ले आने के लिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए टूल्स। जैसे आप टूल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन, जैसे आप ऑप्शन में और इसमें क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सेम सेम प्रोसेस सेम चीज़ ओपन हुआ, ठीक है। तो उसका फास्ट आता है रिकॉर्ड पॉज, रिकॉर्ड एंड पॉज। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप अगर रिकॉर्ड या पॉज करना चाहते हैं, ये देखिए डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है कैमटेस या स्टूडियो 8 का। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको सेटिंग करने का दरकार नहीं है। F9 आप करेंगे तो वीडियो चलते चलते आप अगर स्टॉप करना चाहते हैं या स्टोरी पॉज करना चाहते हैं तो इसको पॉज कर सकते हैं। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से की को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ F9 रहने दे रहा हूँ। उसके बाद है आपका स्टॉप। स्टॉप का मतलब आपको पता ही है, स्टॉप होता है जो वीडियो आप कंप्लीट करने के बाद स्टॉप करते हो, इसी को बोलता है स्टॉप। आप उसको F10 से स्टॉप कर सकते। इससे आप इसको यहाँ से आपका जो है आप की भी चेंज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा की यूज़ करना पसंद करेंगे। फिलहाल मैं F10 ही रहने दे रहा हूँ, या बाई डिफॉल्ट सेट हो जाता है कैमटेस या स्टूडियो 8 के ऊपर। अब बात आती है मार्का को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो का आगे जाकर आपको बताएंगे मार्का कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद मार्का क्या होता है ये भी आगे जाके आपको बताएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे स्क्रीन ड्रॉ कैसे करता है, सिलेक्ट रिजेंट एंड हाइट आइकन। अब मार्कर के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, मार्कर के लिए देखिए यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल डी दे के रखा हूँ। मैं चाहूँ तो दूसरा भी की को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा ये उंगली का सामने है तो मेरा यूज़ थोड़ा सा सुविधा हो गया, इसलिए मैं कंट्रोल डी रखा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो शिफ्ट भी रख सकते हो, ऑल्ट भी रख सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा रखना पसंद करेंगे। फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अपना हिसाब से उसको कर रहा हूँ, ठीक है। मार्का में कंट्रोल डी को मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद है मार्कर में कंट्रोल डी और स्क्रीन रिकॉर्डर में आपका स्क्रीन ड्रॉ। स्क्रीन ड्रॉ मतलब क्या हुआ, आप जो ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। जो जो ड्रॉ करेंगे, जो आगे जाके आपको दिखाएंगे, ड्रॉ करने के लिए आपको ये या कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कुछ भी बटन आप सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं सामने है बल्कि यहाँ पे कंट्रोल और ये दाब रहा हूँ। आप इसको की को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए रख रहा हूँ। आवा है सिलेक्ट रीजन। सिलेक्ट रीजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे शो द सिलेक्ट रीजन एरिया हेल्पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप कौन कितना मतलब एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये बाहर का है, ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं रहता है, ठीक है। तो आप इसको जेड ही रहने दें। मैं यहाँ पे डेस्क कंट्रोल जेड को ही यूज़ किया। उसके बाद है हाइट ट्री आइकन। हाइट ट्री आइकन क्या होता है, एक्स कंट्रोल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे ही इसको इनेबल करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस गैलरी में शो करता है। ये देखिए यहाँ पे गैलरी में शो कर रहा है, तो आप इस करके भी रख सकते हैं। नहीं, आपको क्या दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने दिखाया था कंट्रोल ए, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल ए क्लिक किया, देखिए ये पेन जो है मार्कर हो गया, और इसमें अब इस तरह देखिए ये आ गया, ये लाइन आ गया। इसका क्या अर्थ है फ्रेंड, इसका अर्थ ये होता है कि ये लाइन कैसे लेके आए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कीबोर्ड जो है उसमें पी दबाने पड़ेगा, ओनली पी, ठीक है। खाली पी दबेंगे और ये जो लाइन है ये आ जाएगा। अब अगर रेक्टेंगुलर चाहते हैं तो आप एफ दबिए। जैसे आप एफ दबते देखिए ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप रेक्टेंगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आप इसको सर्कल या अंडा की तरह करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप सीधा चले जाइए ई में, ठीक है। जैसे आप ई को दबेंगे अपना कीबोर्ड का ई, देखिए जैसे ई को दबेंगे ये सर्कल मतलब ये अंडा की तरह एगो शेप हो गया, ठीक है। तो इसको आप मन मर्जी आप अपना जो वीडियो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
कैसे आया फ्रेंड्स, एक ही अपना कीबोर्ड है जो उसमें खाली ओनली ई दबाने का बाद ही ये जो ऑप्शन है सैप ऑप्शन, ये जो सैप है अंडा की तरह सैप, वो आ गया। और अब अगर इसको दोबारा रेक्टेंगुलर में जाना चाहते तो क्या करेंगे, फिर से आप एफ दबिए, ठीक है। जैसे आप एफ दबाएंगे देखिए ये एफ हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एरो निशान यूज़ करते हैं तो वो कैसे करता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कीबोर्ड है उसमें खाली ये दबाने पड़ेगा। जैसे मैं ये दबाऊंगा देखिए फ्रेंड्स, ये एरो निशान आपका सामने आ गया, ठीक है। तो ये एरो निशान आ गया। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद आप कहीं पकड़ लीजिए, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। अब उससे पहले एक बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने क्या दिखाया था आपको, ये जो पी दबने से आपका जो ये जो लाइन हो रहा है ऐसे, तो ये आप स्ट्रेट लाइन कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको तो स्ट्रेट लाइन खाली एरो छोड़ कर तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप अगर ये दबाएंगे तो आपका एरो आएगा बीच सामने, ये जो एरो का मुंह है वो आ जाएगा, लेकिन आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कीबोर्ड का एल जो बटन है उसको दबाना पड़ेगा। जैसे आप एल बटन दबाएंगे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका मुंह में जो है एरो का कोई निशान नहीं है, आप कहीं पर भी अंडरलाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है ये खाली ब्लू कलर में हो रहा है, इसका कलर कैसे चेंज करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्क्रिप्शन में उसका कुछ कलर कोड दे दूंगी, ठीक है। कलर सिंबल वो आप डिस्क्रिप्शन में देख के उसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे आप अपना कीबोर्ड का वाई में वाई दबेंगे तो देखिए ये वाई मतलब येलो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर आर दबते हैं तो देखिए ये आर हो गया, ठीक है। आर ये की अपना कीबोर्ड में खाली ओनली आर जो बटन जो है उसको प्रेस करने के बाद ही आपका ये आर बटन आ गया। उसके बाद आप अगर जी दबते हैं तो देखिए जी दबने से क्या होता है, जैसे दी दबेंगे देखिए ग्रीन हो गया। अब आप ये लाइन से आप रिटेंगुलर में जाना चाहते हो तो डायली आप एफ दबिए, जैसे आप एफ दबेंगे देखिए ये एफ रिटेंगुलर आ गया, ठीक है। आप अगर इसको हटाना चाहते हैं मतलब ये मार्कर पेन को हटाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। आप कंट्रोल ए जैसे दबेंगे आप इस जो मार्कर पेन है ये हट जाएगा, क्योंकि मैंने सेटिंग में बताया था आपको जो सेट करेंगे वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका, आप अपन मेजेंटा या पिंक कलर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बोर्ड कीबोर्ड का एम स्विच है उसको दाबिए। जैसे आप एम बटन दबते देखिए ये एम हो गया। उसके बाद आप अगर ब्लू लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी दाबिए देखिए फिर से ब्लू आ गया। अब इसका अपना मन मर्जी आप इसको ओपनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका कोड दिया हुआ है, आप जाके बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली ये कैमटसिया स्टूडियो 8 के ऊपर दिखाया है, ठीक है। अगर दूसरा सॉफ्टवेयर होगा तो दूसरा अलग कुछ होगा, तो फिलहाल मैं कैमटसिया स्टूडियो पर आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसको कैसे हम व्यू कर मतलब पीछे जाए, पीछे जाने का मतलब क्या होता है, ये मार्कर पेन हटा दें और मुझे कुछ में क्लिक करके करना है, कुछ क्लिक करके आपको दिखाना है, तो आप कुछ करना नहीं है, आप कंट्रोल ए दबिए और देखिए ये जो कलर पेन जितना निशान है वो हट गए, और ये देखिए मेरा जो ये माउस पॉइंटर है ये नॉर्मल हो गया। आप जैसे आप कुछ भी लिखते हैं देखिए ये चालू हो गया, ठीक है। तो फिर इसी तरह आप भी अपना जो माउस पॉइंटर है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत काम का है फ्रेंड्स। आप अगर ठीक से इसको कर पाएंगे तो फर्स्ट टाइम एक दो बार आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप इसको सीख जाएंगे तो आपका ये बहुत काम का है, और आप अगर यूट्यूबर हैं तो बहुत काम में लगता है। और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप अगर एफिलिएट बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अमेजन एफिलिएट के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद कैसे ऐड मॉब के जरिए आप भी ऐड लगा सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर मतलब ऐप के ऊपर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरा चैनल में जाइए, बहुत सारा वीडियो बन चुका है और आगे भी बनेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन या सूची मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको पकड़ लीजिए फिर से, आपको ये मार्कर पेन ले आना है, कुछ करना नहीं है, कंट्रोल और ए दबिए, देखिए मार्कर पेन आ गया। उसके बाद इसको आप जैसे हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर भूल जाते हैं तो फिर से मेरा वीडियो देखिए, एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको याद हो जाएगा। और कलर कोड जो है इसका कलर कोड कौन सा स्विच दबने से क्या होता है, तो इसका कलर कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या वहाँ से आप कलर कोड को देख सकते हैं और उसको टाइप करके आसानी से सीख सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट होता है जो सेटिंग है उसको
फास्ट आपको करना है, और आप इस तरह सेटिंग करेंगे जिससे आपका और भी मतलब वीडियो एडिट करते समय या रिकॉर्डिंग करते समय आप दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसका की इसका की के साथ मैच करना नहीं चाहिए, अगर मैच करेगा तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसे वीडियो देखने और पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो करेंगे, क्योंकि एक लाइक से हम लोग हर यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।